नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी जेमस्टोन के बारे में, रत्न कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए हमें और किस दिन पहनना चाहिए और कौन सा रत्न किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड किस धातु में पहनना चाहिए। ये सारी बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी रत्नों के बारे में, जेमस्टोन के बारे में। इसीलिए आप मेरे साथ मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग जो आज का टॉपिक है जेमस्टोन के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जेमस्टोन हम क्यों पहनते हैं और जेमस्टोन 7 तरह का ही क्यों होता है? होता तो ऐसे 10 तरह का, लेकिन मेन होता है 7 तरह का। क्यों होता है? तो देखिए, यूनिवर्स में जो आप रेनबो देखते हैं तो रेनबो का कलर कितने होते हैं? 7 होते हैं ना, तो 7 होते हैं। तो 7 कलर का मतलब क्या? 7 तरह का एनर्जी, 7 तरह के आपके अंदर आभा मंडल भी है जिसको ओड़ा बोलते हैं। 7 का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, होता क्या है, इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, जो रेज होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है, वो हमारे शरीर के अंदर आते हैं। और जो हमारे आभा मंडल में होते हैं, 7 आभा मंडल होते हैं ना हमारे शरीर के अंदर, तो उस 7 रेज को अपनी ओर वो खींचते हैं। और 7ों रंग का अलग अलग मायने होता है, तो उस तरह का एनर्जी हमारे अंदर आती है। 7ों रंग की एनर्जी हमारे अंदर आती है। जो एनर्जी हमारे बॉडी में कमज़ोर होती है, जिस एनर्जी को हम लोग खींच नहीं पाते हैं, तो इस एनर्जी को एकदम से खींचने के लिए, उस एनर्जी को मजबूत बनाने के लिए, उस आभा मंडल को मजबूत बनाने के लिए हम लोग जेमस्टोन पहनते हैं या फिर कोई भी रत्न हम लोग पहनते हैं। कोई भी रत्न अगर पहने तो कब पहने और कौन सा रत्न किस चीज़ का होता है, किस फिंगर में पहने, तो ये भी हमें जानना जरूरी होता है ना। तो आज मैं आपको, चलिए अब बताते हैं कि किस उंगली में पहनना चाहिए और कौन से जेमस्टोन को किस धातु में पहनना चाहिए, कौन से मेटल में पहनना चाहिए। सबसे पहले मैं बताती हूँ मूंगा के बारे में। मूंगा जो होता है वो मंगलदेव का होता है और उसका कलर लाल होता है और उसे हमें मंगलवार के दिन अनामिका फिंगर यानी रिंग, मैं साथ साथ बताते जाती हूँ, आपको ध्यान से देखना होगा, आप नोट भी कर सकते हैं। मूंगा जिसको कि हम लोग कोरल बोलते हैं, वो लाल रंग की होती है, वो हनुमान जी का होता है और वो आप मंगलवार के दिन आप अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में गोल्ड या तांबा के अंगूठी में आप धारण कर सकते हैं। अब दूसरा आता है व्हाइट टोपाज, जिसको कि हम लोग ओपल बोलते हैं, ये होता है आपके शुक्र देव का। इसको पहनने से आपका शुक्र का जो एनर्जी होता है, शुक्र देव की जो एनर्जी होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। तो उसका कलर कैसा होता है, तो व्हाइट होता है। तो व्हाइट आपके अंदर जो एनर्जी है, व्हाइट कलर से जो एनर्जी आ रही है, उसको आपको बढ़ाने के लिए व्हाइट टोपाज जो होता है, जिसको कि हम लोग ओपल बोलते हैं, उसे हमें इंडेक्स फिंगर में आप शुक्रवार के दिन धारण कीजिए, ठीक है। अब पन्ना जो होता है, उसे हमें बुधवार के दिन, क्योंकि वो बुध देवता को रिप्रेजेंट करता है, तो बुधवार के दिन हमें इस फिंगर में, छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली में हमें धारण करना चाहिए, जिसको कि हम लोग पन्ना बोलते हैं। और इसे किस धातु में करना चाहिए, तो इसे भी हमें सिल्वर ही धातु में करना चाहिए, किसी भी धातु में नहीं करना चाहिए, सिर्फ सिल्वर में करना चाहिए और कनिष्ठा उंगली में पहनना चाहिए। और पन्ना के बाद आ गया हम लोग येलो पुखराज जो होता है, इसको हम लोग किस में पहनना चाहिए, तो येलो पुखराज जो होता है, इसको गुरुदेव का होता है, गुरुदेव बृहस्पति देव का होता है, तो येलो कलर का ये होगा, ठीक है। तो इसे हमें गोल्ड या पीतल में धारण करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, इंडेक्स फिंगर में हमें धारण करना चाहिए, इस फिंगर में। उसके बाद हो गया ब्लू, मतलब नीलम को हमें किस धार, तो नीलम होता है शनिदेव का और इसका कलर आपको ब्लू होता है, तो ब्लू होता है और इसे किस धातु और किस उंगली में धारण करना चाहिए, तो इसे हमें आपको शनिवार के दिन धारण करना चाहिए, आपके ये मध्यमा फिंगर में, मिडल फिंगर में करना चाहिए। और इसका जो धातु आपका होगा, वो होगा गोल्ड होगा या पंच धातु होगा, या आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप प्लेटिनम में भी इसे धारण कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आपको ये रूबी, जिसको कि हम लोग माणिक्य बोलते हैं, तो माणिक्य ये सूर्य देव का होता है, तो सूर्य देव का होता है और इसका कलर जो होता है ना, मरून होता है। तो आप माणिक्य को अनामिका फिंगर में धारण कर सकते हैं, अनामिका फिंगर में आपको गोल्ड या पीतल में धारण करनी है, गोल्ड या पीतल में आपको धारण करनी है,
और आपको कौन सा दिन, संडे के दिन आप धारण कीजिए। देखिए कोई भी रत्न को विधि विधान से धारण कीजिए और एक बार रत्न पहनने के बाद उसे दोबारा मत खोलिए, खोलने के बाद उसको फिर से वापस उसी विधि विधान से पहनिए, तभी उसका सही असर होगा। और एक बात और, कि सब लोग क्या बोलते हैं, बहुत कोई से मुँह से आपको सुनने को मिलेगा, अरे रत्न धारण करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए भाई आप सही रत्न तो धारण कीजिए, सही रत्न धारण कीजिएगा तभी तो सही, पर मार्केट में आपको बहुत आर्टिफिशियल रत्न मिलेंगे, आप वो धारण करके बोलेगा हमने मुंगा कर लिया, मैंने पुखराज कर लिया, उसका असर नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। सही रत्न का असर होता है, इस चीज़ ये लॉजिकल है और साइंटिफिक प्रूव्ड है, तो ये कोई हवा में बात नहीं होती है। अगला रत्न के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो अगला रत्न जो होता है हमारा वो होता है आपका डायमंड, जिसको कि हीरा बोलते हैं। देखिए हीरा जो है, ऐसे कोई भी हीरा आपको मिल जाएगा, लेकिन एक कैरेट का भी छोटा सा भी हीरा आपको 1 लाख से कम में नहीं मिलने वाला है। तो हीरा काफ़ी कीमती रत्न होता है और इसे जब भी आप धारण करें तो गोल्ड में धारण करें और रिंग फिंगर में ही धारण करें, यह शुक्र का फिंगर होता है तो इसी में धारण करें। अब देखिए आ जाइए गोमेद, गोमेद जो होते हैं वो कौन सा रत्न, ये राहु का रत्न होता है, गोमेद जो होता है ना ये राहु का रत्न होता है, और ये जो इसको आप मध्यमा उंगली में कॉपर या गोल्ड में आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। अब आज एक मोती होता है रत्न, जो कि चंद्रदेव का होता है, तो उस रत्न को हमेशा 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 आपको सिल्वर में ही और कनिष्ठा उंगली में सोमवार के दिन धारण करनी है, ठीक है। और अब एक रत्न और होता है जिसको कि कैट साइज बोलते हैं, जो कि केतु का रत्न होता है, तो इसे भी आप शनिवार के दिन में सिल्वर में आप धारण कर सकते हैं मध्यमा इस फिंगर में। तो ये हो गए, मैं 10 रत्न के बारे में बताई, किस फिंगर में करना है, किस दिन करना है, किस धातु में करना है। और एक बात और, रत्न जब भी धारण करें तो आप एक निष्ठा से करें, उसका विधि विधान से पूजन से करें, और आर्टिफिशियल रत्न धारण करके मत सोचिए कि उसका आपको असर मिलने वाला है, आर्टिफिशियल रत्न का असर नहीं मिलता है। कोई भी रत्न को अगर सही धातु में आप धारण कीजिएगा तभी उसका सही प्रभाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक की जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।